फोड़ोगा आता बोला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉगर पूजा में। दोस्तों अभी सुबह के हो रहे हैं 11 और मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ बप्पा का दर्शन करने। हाँ जी दोस्तों, मैं जा रही हूँ सिद्धि विनायक और सिद्धि विनायक मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी मुंबई का सिद्धि विनायक। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और मैं आपको कम्प्लीट टूर कराने वाली हूँ सिद्धि विनायक का बजट के साथ। अभी हूँ मैं टिटवाला स्टेशन पे और मैंने टिकट निकाल लिया है दादर का। इसका जो प्राइस लगा है मात्र 20 रुपये लगा है। दोस्तों मेरे तरफ से एक एडवाइस रहेगा आप लोग के लिए, आप लोग जब भी प्लान करते हो मुंबई आने का तो आइए और हमेशा ट्रैवल कीजिए लोकल ट्रेन से, क्योंकि लोकल ट्रेन जो है ना बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर आप टैक्सी बुक करोगे तो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। मैं तो बोलूँ कि लोकल ट्रेन ही बेस्ट है और ये 5-5 मिनट में मिलता रहता है। अगर आपको लोकल ट्रेन के बारे में जानना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाइए देखिए और समझिए। तो दोस्तों अभी मिलते हैं दादर में। तो अभी मैं दादर में हूँ और दादर पहुँचने में पूरा 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगा क्योंकि जो ट्रेन थी बहुत ज़्यादा लेट थी। अभी मुझे दादर वेस्ट में जाना है, वहाँ से गाड़ी मिलेगा सिद्धि विनायक के लिए। जैसे ही आप दादर वेस्ट में आओगे यहाँ पे एक लंबी लाइन दिख जाएगी, ये जो लाइन है शेयर ऑटो का है। मैं सोच रही हूँ शेयर ऑटो लेके जाने के लिए लाइन काफ़ी बड़ी लगी है। अगर आप पर्सनल ऑटो करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। शेयर से ये रहता है कि कम बजट में आप मंदिर आसानी से पहुँच सकते हो। ये वाली गाड़ी रहती है मेरे पीछे देख सकते हो। मुझे टैक्सी मिल गई है, पूरे 10 से 15 मिनट में खड़ी रही। ये जो टैक्सी है मुझे सिद्धि विनायक छोड़ देगा और मैं दर्शन करने के लिए जा रही हूँ और सुबह से भूखी हूँ। करीब 12:30 से ऊपर हो रहा है, 1 बजने को जा रहा है और इस टैक्सी का जो भाड़ा है वो मात्र 10 रुपये है क्योंकि ये शेयरिंग है। अगर आप पर्सनल करना चाहते हो तो उसके लिए 50-60 रुपये लगेगा। फाइनली दोस्तों मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ, इधर से जाना होगा मंदिर के लिए और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो तो पूरा कंप्लीट बनेगा बट मेरी जो आवाज़ है दब जाएगी, मेरे पास माइक नहीं है, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। लाइन में लग गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 10 मिनट लगेगा अंदर जाने के लिए, 10 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि लाइन ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, मे बी अंदर बड़ी हो, यहाँ से तो छोटी ही दिख रही है मुझे। और पता नहीं अंदर वीडियो कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, मुझे मालूम नहीं है। कितने का है? 150 का है। बहुत भयानक लाइन लगी थी, बहुत बड़ी लाइन है, हालत ख़राब हो गई और मैंने प्रसाद ले लिया है। ये जो प्रसाद है 50 रुपये का पड़ा है, यहाँ पे हर टाइप का प्रसाद है, स्टार्टिंग 50 से है, जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसे आप प्रसाद ले सकते हैं। अभी ये लेडीज़ का लाइन है, अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी का जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती हैं वे सिद्धि पीठ से जुड़ी होती हैं और उन मंदिरों को सिद्धि विनायक मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है, वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा कर देते हैं। मान्यता यह है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और उतने ही जल्दी से कुपित भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो गेट है, रिद्धि गेट सिद्धि गेट, और अभी मैंने एंट्री लिया है सिद्धि गेट से। रिद्धि गेट इस तरफ है, यहाँ पर दो तरह से दर्शन होता है, एक चरण दर्शन होता है एक मुख दर्शन होता है। मुख दर्शन के लिए अगर आप जाते हैं उस लाइन में तो आपको दूर से पप्पा का दर्शन हो जाएगा, पास जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप चरण दर्शन की तरफ से जाएंगे तो आपको चरण
अगर आप चरण दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको पूरे बप्पा दर्शन हो जाएंगे, पासे हो जाएंगे। और मैंने सोचा कि चरण दर्शन के लिए चलते हैं क्योंकि मुझे प्रसाद भी चढ़ाना है। मैं वहाँ से घुसने की कोशिश की तो वहाँ पे बोला गया कि 100 रुपये टिकट है, अगर 100 रुपये का आप टिकट लेते हो तो वहाँ से घुस सकते हो, अगर आपको फ्री में जाना है तो ये लाइन है। तो फ्री वाला जो लाइन है बहुत बड़ा है, मैंने सोचा कि फ्री वाले से ही चलते हैं, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, भगवान जब दर्शन देना चाहेंगे हम तभी दर्शन लेंगे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, 1 से 1.5 घंटा लाइन में रहने के बाद से बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं और हम जा रहे हैं गेट नंबर सेवन से। हिंदी में लिखा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। और यहाँ पे पानी का टाँकी लगाया गया है, जिनको प्यास लगी यहाँ से पी सकते हैं। मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है लेकिन फिर भी मैं रुकूँगी, जब दर्शन हो जाएगा उसके बाद कुछ खाऊँगी और पानी पीऊँगी। फाइनली दोस्तों मेरा जो दर्शन है बहुत ही अच्छे से हो गया, और यही है कि थोड़ा सा टाइम लगा बट दर्शन अच्छे से हुआ। मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया ताकि कुछ फोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर हो जाए आप लोगों के लिए। आई होप कुछ तो आया होगा, बहुत कोशिश करने के बाद बार बार फ़ोन छीना जा रहा था फिर भी मैंने छोटा सा क्लिप निकाला है। और बाकी मैं गूगल से फ़ोटो लेके आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ पे फ़ोटो लेना मना है। और मैं 1.5 से 2 घंटे लाइन में रही, उसके बाद जाके मेरा दर्शन हुआ। फर्स्ट टाइम दर्शन की हूँ, काफ़ी अच्छा लगा है। और मैंने भगवान से प्रेयर किया है कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सभी पे कृपया बनाए रखे गणेश जी। और यहाँ से मैंने मोदक लिया है अपने लिए, अभी मैंने प्रसाद खा के पानी भी पी लिया। और जो मेरी हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। अब मैं चल रही हूँ घर, और आज आई थी सिर्फ स्पेशल दर्शन के लिए, तो स्पेशल दर्शन हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा गणेश जी का दर्शन पाके कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।